ऑल राइट, क्या बात है यार। वैसे तो देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली क्रिकेट टीम जो है ये कमाल कर रही है यार, बहुत ही कामयाब टीम हो रही है, और जिन्होंने अब तक 7 बार रणजी ट्रॉफी जीती है और 8 बार रणजी ट्रॉफी के रनर्स अप भी रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए लेडीज एंड मैन दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए। देखिए हमारे जो, अब मैं इनको कहूंगा दिल्ली के लेजेंड्स हमारे साथ इस समय स्टेज में। रजत जी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बट फिर भी वो लेजेंड हैं। सर सर मुझे एक मिनट, मेरा बड़ा मन कर रहा है जानने का, सर आप क्रिकेट खेलते हैं? कभी मन किया सर? कभी नहीं। जब छोटा था तो रोशनारा क्लब है, उसके बाहर खड़े होके जब खेलते हुए देखता था क्रिकेटर्स को, सफ़ेद कपड़े पहने ग्रीन पिच पर, मन बहुत करता था लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं खेला और सारा टाइम पढ़ाई में लगाते थे। क्या बात है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, यू नो जब मैं छोटा था ना, तो जनरली हर एक की मम्मी डांटती हैं कि क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, शर्मा जी को बेटे को देख कहाँ पहुंच गया। फिर कहती थी अरे कुछ कर ले लाइफ में, शर्मा जी के बेटे को देख कहाँ पहुंच गया। हर बात पे शर्मा जी के बेटे का ताना लगता था। अब पता चला वो कौन से शर्मा जी का बेटा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां रजत शर्मा जी के लिए। क्या बात है, ऋषभ को बड़ी हंसी आई है, डॉटी बॉय बड़े हंसी आ रही है। वैसे देखिए जो हमारे, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो हमारी दिल्ली की टीम जो है इतना बढ़िया कर रही है, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है इनके बारे में वीरेंद्र सर अगर आप बताएं। और दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम, मेरे 15 साल के कैरियर में जितनी बार भी मैं दिल्ली के लिए खेला, केवल हम लोग एक बार जीते जब गौतम गंभीर कप्तान थे, उनकी कप्तानी में। सोचा हमने हमेशा यही कि हम शायद रणजी ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन शायद मेरे को वो कभी मौका हासिल नहीं हुआ कि मैं रणजी ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा सकूं, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने उठाई, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिल्ली के प्लेयर आए, लेकिन एक साथ वो सारे प्लेयर बहुत कम मौके पर खेल पाए, शायद इस वजह से भी हम लोग ज़्यादा रणजी ट्रॉफी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लेकिन अगर हर खिलाड़ी जो इंडियन टीम के लिए खेल रहा है वो अपना दायित्व समझे कि वो अपनी स्टेट टीम के लिए भी रिप्रेजेंट करे जब भी उसे मौका मिले, तो वो बहुत लड़कों को, बहुत यंगस्टर्स को मोटिवेट करता है कि वो भी अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे और इंडियन टीम के लिए जाए। तो शायद इन चारों लड़कों को देखकर बहुत सारे दिल्ली के और लड़के ये सोचेंगे कि हम भी इनके साथ खेलें, क्योंकि मैंने भी जब खेलना शुरू किया था तो यही सोचा था कि मैं भी इंडियन टीम में जाऊंगा, मैं भी तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ बनूंगा। तो शायद आज जब ये खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते कि वो भी शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत या नवदीप सैनी बने। तो मेरी उम्मीद ये है कि इनको जब भी मौका मिले रणजी ट्रॉफी खेले और रणजी ट्रॉफी जीते और जिताए अपनी टीम को। क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका आपका कोई व्यू पॉइंट है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द टीम? जो वीरू भाई ने बोला, आई थिंक वो बात एकदम एक्यूरेट है। 2007 में जब हम रणजी ट्रॉफी जीते तो मैं सेमीफाइनल तक खेल पाया, उसके बाद अंडर 19 जो हमारा टूर था इंडिया अंडर 19 उसकी कॉल आ गई, तो मैं ट्रॉफी उठा नहीं पाया। वो शिखर, प्रदीप सांगवान थे उस बैच में, इन लोगों ने जो इनका ग्रुप था उन्होंने जीती। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो वीरू भाई ने बोला कि जब तक एस्पिरेशन ये होगा कि अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं दिल्ली के लिए, हमें जीतने के लिए खेलना है, सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए अगर खेलेंगे तो वो एक एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है जो आपका, अगर आप ऊपर की क्रिकेट में भी जाएंगे तो वही रहेगा। तो आप अगर गेम के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो किसी भी लेवल पे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप गेम को एक सर्टेन लेवल पे सोचेंगे कि मैं निकल जाऊंगा तो फील्ड पे सब सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आई थिंक हमारी गेम की सबसे बड़ी बात यही है। तो अगर इंटेंशन ठीक होगी तो दिल्ली में तो टैलेंट की कमी है ही नहीं, वो हम सबको पता है, लेकिन माइंडसेट ठीक होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, और ये लोग सही रास्ते पे हैं, लेकिन वो कलेक्टिव माइंडसेट अगर रहेगा तो हम ज़रूर चैंपियनशिप्स भी जीतेंगे। थैंक यू। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारे दिल्ली के बॉयज़ का। जैसे सर ने आज अनाउंसमेंट किया कि 2 और ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं, अकेडमीज तैयार हो रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज की डेट में इवन कोचेस, जैसे लेवल 1 लेवल 2 के कोचेस आ गए हैं, हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, तो उसका बेनिफिट यंग जनरेशन को बहुत होएगा। और आई एम श्योर कि इतने सारे हम प्लेयर खड़े हैं, हमारे जैसे हमसे बड़े और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले दिल्ली से, खाली दिल्ली से भी नहीं, कहीं पूरे इंडिया से। तो यही मेरी दुआ है, थैंक यू।